जब क्लासिक थी, क्लासिक भी चलाने में मजा आता था, पर क्लासिक थोड़ी ना भारी लगती थी। और हिमालयन जो है ये तो पता नहीं चलता है, इसका जो वेट है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांडरिंग अमित। बीमारी से उठा हूँ तब से अभी तक कोई भी काम रेगुलर नहीं हो पा रहा है। मतलब एक आलस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है, थोड़ा अंदर से अभी भी वीकनेस, कमजोरी जैसा और पता नहीं क्या क्या महसूस होता रहता है। आलस एक कह सकते हैं कि आलस। अभी जैकेट ही पिछले एक हफ्ते से ऐसी की ऐसी ही टंगी हुई है, गंदी, इसको भी कभी साफ करने का मन नहीं किया। तो हो गया कि मैंने अपनी जैकेट को झाड़ पोंछ करके अच्छे से पैक करके रख दिया है आज अंदर, और अब निकालेंगे इसको विंटर राइड्स में। धीरे धीरे अपने मन को काम की तरफ मोड़ना है। अभी मेरा जो मन है ना वो काम से भाग रहा है। एक तो फेस्टिवल्स हैं, दो दिन बाद दिवाली है, अभी इतना काम करने का मन नहीं कर रहा है। बट ये दिवाली तो एक दिन की होती है और ये गुजर जाएगी, लेकिन ये जो मन है ना इसको संभालने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए अपने मन को काम की तरफ मोड़ते हैं। जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था वहाँ पर कुछ काम हुआ है, और अगर आपको देखना है कि क्या काम हुआ है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है। अपने योगा का जो मेरा प्रोग्राम है उसको ही मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी और को समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं, और थोड़ा सा चलते हैं हिमालयन से घूम के आते हैं। हिमालयन चलाने में जो मज़ा आता है ना, बहुत ही बढ़िया, मन करता है चलाने का। जब क्लासिक थी, क्लासिक भी चलाने में मज़ा आता था, पर क्लासिक थोड़ी ना भारी लगती थी। और हिमालयन जो है ये भारी, इसका पता नहीं चलता है, इसका जो वेट है पता ही नहीं चलता है। मतलब भारीपन जो क्लासिक में महसूस होता था कि लगता था कि कोई हैवी गाड़ी चला रहे, इसमें तो एकदम मस्त, बहुत बढ़िया है कि दिल कोई बहाना खोजता है और उस बहाने में अगर कोई राइड हो जाए सुंदर, बहुत बढ़िया। ये कैसा जाम लग गया भैया, अरे यार जाम हम ना लगा करे, जाम लग जाता ना बड़ी दिक्कत होती है। मजा आ गया। चलो हम मोड़ लेते हैं, चलते हैं वापस घर की तरफ। और बहुत मजा आता है यार, जब भी हिमालय चलाते ना मन करता है कि चलते चले जाए, पर जाए कहाँ और कितना जाएंगे। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि अभी मेरे को एक महीना भी नहीं हुआ है अपने हिमालयन को खरीदे हुए, और 3000 किलोमीटर से ऊपर जा चुकी है। तो कभी कभी लगता है कि क्या मैं कोई जाती तो नहीं कर रहा हूँ, फिर ध्यान आता है यार मशीन ही तो है। लेकिन नहीं, मेरा थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों के साथ में, बट कोई नहीं, मज़ा आता है यार, बहुत बढ़िया। और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसा कोई प्लान बनेगा कि जिस दिन हम यहाँ से चालू करेंगे अपना राइड हिमाचल की तरफ या पहाड़ों पर कहीं पे, तब आएगा असली मज़ा हिमालयन चलाने में। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।
टेक केयर।